हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आपको देख के पता चलिए होगा, फिर से हम एक नई रोड ट्रिप पे निकले हैं। तो आज का दिन फ्री है तो आज ही हमने सोचा कि कुछ करते हैं। मेरे साथ मेरे को ब्रदर हैं और मेरी सिस्टर इन लॉ हैं। तो हम नैनीताल घूमने जा रहे हैं और नैनीताल बहुत ही, आपको पता है नैनीताल के बारे में मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। तो अभी हम रास्ते में रुके हैं, यहाँ से व्यू कुछ ऐसा है, देखिए वो भीमताल की लेक है। यहाँ से कंटिन्यू करते हैं आगे की जर्नी। आई एम वेरी मच कम्फर्टेबल नाउ इन राइडिंग हिल्स, ड्राइविंग हिल्स एक्चुअली। पूजा हो गई है, टीका लग गया है, आशीर्वाद मिल गया है। यह है भूमियाधार मंदिर, शिव जी का बहुत ही प्यारा मंदिर है। और सामने का जो व्यू है वो भी बहुत ही प्यारा है। तो हम यहाँ से निकलते हैं, एक दूसरे मंदिर और जाना है, उसके बाद हम खाना खाएंगे क्योंकि अभी तक सुबह से कुछ खाया नहीं है। और जब भी आप इन मंदिरों में आते हैं तो आपको खाली पेट आना होता है, मतलब जब तक आप मंदिर में आओगे तब तक आपका व्रत रहता है। तो उस मंदिर के बाद फिर हम कुछ खाएंगे और देन विल गो टू नैनीताल। Here we are at मनसा देवी टेम्पल। अगर आपको याद होगा, आप इस चैनल के पहले से सब्सक्राइबर रहे हैं तो यहाँ पे एक वीडियो पहले शूट हुआ था, शायद वो मेरा 100th वीडियो था। यहाँ पे मेरी मदर इन लॉ और उन सब ने मिलकर एक बहुत बड़ा भंडारा कराया था, तो बहुत बड़ी पूजा थी, उसके बाद खाना वाना था, तो वो सब था। आज हम 2 साल बाद शायद फिर से यहाँ पे आ रहे हैं। व्यू तो आप पूछो मत, उत्तराखंड में हर जगह से व्यू अच्छा ही है। यहाँ पे आप देखो काफ़ी सारा डेवलपमेंट हो चुका है, उधर आप देखोगे काफ़ी सारे रिजॉर्ट और वो सब बन रहे हैं। बहुत ही ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। ये हमारी गाड़ी और ये है पूजा का सामान। तुम्हारा नाम पूजा होना चाहिए क्योंकि तुमने बहुत पूजा कर दिया आज। सो गाइस, ये जो पीछे आपको पानी दिख रहा है ये स्रोत का पानी है, जो यहाँ पर पहाड़ों से आ रहा है, बस पहाड़ों में पेड़ों की जड़ों में इकट्ठा रहता है और यहाँ पे बस उसको स्टोर करने के लिए छोटी सी टंकी बनाई है और ये पानी आ रहा है। पीने का पानी बहुत ही ठंडा है, बोलते हैं कि इसे ऐसे नहीं पीना चाहिए क्योंकि आपको कोल्ड लग जाता है। दो मंदिर की पूजा हो गई है। यहाँ पर हमें एक छोटी सी जगह मिली है, यहाँ पे बैठ के थोड़ा खाना खा लेते हैं, पराठे वराठे लाए थे। अरे वहाँ बैठ के खाएं क्या, वहाँ भी बैठ के खाते हैं छाया में उधर। अरे यार फिर ऐसी बात कर देते बुड्ढों वाली। तो गाइस हम पहुंचने वाले हैं नैनीताल, बट जितनी गाड़ियां हमें दिख रही हैं वो देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रश होने वाला है। तो प्रोबेबली आपको ज़्यादा नैनीताल घूमने को नहीं मिलेगा, देखते हैं कितना घूम पाते हैं, बट ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए। ओहो, सो गाइस हम पहुंच गए हैं नैनीताल और जैसा कि उम्मीद की थी हमने, यार यहाँ पर टोल देना है क्या? हाँ टोल देना। ₹50।
गाइस, क्रिसमस अच्छी आपकी और नैनीताल देखने को मिल गया, मतलब एटलीस्ट एंट्री कर ली हमने और ये रोड बहुत ही प्यारी है। आगे देखते हैं पार्किंग मिली तो और कुछ देख पाएंगे, अदरवाइज क्या ही बोल सकते हैं, वो तो आपको पता चल जाएगा। आपसे पहले मुझे पता चल जाएगा क्योंकि मैं तो कर चुका हूँ एडिट के टाइम, आपके बाद ही पता, ये बहुत ही बकवास था। ऊपर नीचे यहाँ से लेके आया यार, ये यहाँ से लेके आया ये यार, ये तो पता नहीं कहाँ से उसके उसमें वो लगाया, लेकिन देखो शीट लग रही है और वहाँ की ये देखो एचआर हरियाणा, उसने कोकर का बंद अपना हरियाणा, वो अपने आप को बंद कर रखा उसने। तो गाइस आपकी किस्मत उतनी अच्छी नहीं है, हमारी भी नहीं है, हमारी तो उससे ज्यादा खराब है। आप तो देख रहे हो ये ट्रैफिक पुलिस आ रहे हैं आकर, फिर ट्रैफिक पुलिस आ रहे तो क्या हुआ, अरे नहीं ट्रैफिक पुलिस वाले नहीं कहेंगे कि बात ही कर रहे हो ये यार, बात के लिए थोड़ी ड्रिंक एंड ड्राइव एंड स्पीक, लोगों ने डिस्टर्ब कर दिया बीच में। मैं बोल रहा था कि आपकी किस्मत खराब है, हमारी उससे भी खराब है, क्योंकि आप तो बैठे बैठे देख रहे हो, हम तो यहाँ आकर घूम नहीं पा रहे और यहाँ की एक बहुत फेवरेट नमकीन है जो हम सोच रहे थे लेने की, बट अब वो भी हम ले नहीं पाएंगे और हम क्योंकि इतना ज़्यादा रश है, हम बहुत मतलब हमें भी सबको हम सोच रहे हैं कि बाहर निकलना सेफ नहीं है, तो हम गाड़ी के अंदर से ही घूमें और थोड़ा कहीं यहाँ पे अच्छी जगह दिखेगी आगे वहाँ रुकेंगे। नहीं नहीं नहीं, बहुत ही प्यारी लेक है इधर भी और उधर, बहुत ही प्यारा व्यू है, लेकिन एक बुरी बात यह है कि यहाँ पर इतना सारा रश है, इतने सारे लोग हैं, इतना सारा ट्रैफिक है, और तो हम रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं कि एक्चुअली वहाँ उस साइड में कहीं पार्किंग है। ये देखो ये दौड़ते हुए ये लोग आ रहे हैं तो बहुत सारा रश है, तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते कि वहाँ पर जाएं और कोविड का कोई भी ख़तरा उठाएं, क्योंकि हमारे साथ बच्चे भी हैं। ब्लॉग करने के लिए भी मैंने यहाँ पर एक अलग से एक जगह में यहाँ पर आया और यहाँ पर शूट कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर कम लोग हैं, फिर भी आप देख रहे हो मुझे बहुत सारे लोग क्रॉस कर रहे हैं, तो इसीलिए आई एम सॉरी कि हम यहाँ पर शूट नहीं कर पा रहे हैं। इसी के साथ आज के व्लॉग का एंड करते हैं और सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस मैं हम व्लॉग कर नहीं पा रहे थे क्योंकि मुझे ही ड्राइव करना था और व्लॉग हो नहीं पा रहा था और प्रियंका बहुत थक चुकी थी, तो हमने एक ड्राइवर हायर कर लिया है, यहाँ 500 रुपए में पर डे के हिसाब से मिलते हैं। और भाई साहब क्या रेट चल रहा है आजकल आपका? वैसे राजू वैसे तो 500 हो जाता है, लेकिन आजकल सीजन है तो 600-700 कभी कभी जैसे श्रद्धा आपकी। बोतल बोतल, हाँ बोतल तो शाम को चाहिए चाहिए, बोतल और मुर्गा, आजकल नवरात्रि है तो जस्ट किडिंग है, जस्ट किडिंग, वो मेरे को ब्रदर है, इज अ गुड ड्राइवर और बहुत सालों से चला रहे हैं। अरे यहाँ पानी से लगा, ये तो पहचानी हुई जगह है ना, वेज है ना? जी 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 हाँ, वेज नहीं तो बनता ही नहीं कुछ, वही मैं भी बोला था, कुछ नहीं है दो वहाँ, तीन यहाँ तीन लगा था, कितना डालोगे वही खाएंगे हम लोग, अभी अच्छी वेरी टेस्टी। अरे आप वहाँ से खाओ ना, अपने चटनी वाला लगा दें। ये भी देने ही है।
Thank you.